गत 15 जनवरी को नागालैंड प्रांत के पेरेन जिले में पतंजलि योग पीठ व वर्तमान नागालैंड के संयुक्त उपक्रम में पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के हाथों से आयुर्वेदिक कॉलेज, श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के कर कमलों से पैरा मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज, नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री टी आर जेलियांग जी के कर कमलों से इंजीनियर कॉलेज, नागालैंड के गृह मंत्री श्री कुजोलुजू नियुनू के कर कमलों से मैनेजमेंट कॉलेज व उच्च तकनीकी शिक्षा सलाहकार श्री एन थॉमस लोथा जी के कर कमलों से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर इनके अलावा शीर्ष अधिकारीगण व अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज नागालैंड प्रांत के मुख्यमंत्री श्री टी एन आर जेलियांग को शॉल व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। नागालैंड वासियों ने स्वामी जी व आचार्य जी के सम्मान में वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी, मुख्यमंत्री जी व सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। प्रस्तुत है कार्यक्रम के मुख्य मुख्य अंश। सब लगत सलाम दिया से हमको ये नागमेश समझ में आ रहा था, इसलिए क्योंकि असमिया, बांग्ला, हिंदी सबको मिला दिया जाए तो ये नागमेश बन जाता है। आज हमारे धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर एंजान ओदियो जी और हमारा बहुत जबरदस्त फाइटर ये जो थॉमस है, ये बहुत जोरदार आदमी है, तो इसके लिए जोरदार ताली ठोको। ये इधर आओ, इसका मित्र बोलता है नियोन, इसको दूर से देखो तो एकदम डोन जैसा लगता है, दूर से देखो तो डोन जैसा लगता है, दिल देखो तो एकदम भगवान जैसा लगता है। इसका मन में बहुत प्रेम है कि मुझे नागालैंड के लोगों के लिए कुछ बड़ा काम करना है, तो ये पूज्य आचार्य जी का किडनैप करके ले आया नागालैंड में। और इधर सोचते थे, हम इससे पहले एक बार दीमापुर आए थे, कब आए थे, दीमापुर कोहिमा दोनों जगह 2011, आज से 6-7 साल पहले, और हमने तब नहीं सोचा था हम इधर आके बस जाएगा, लेकिन अब ये इधर भी हिमालय, उत्तराखंड में भी हिमालय, और हिमालय में ऋषि मुनि रहते थे, और अभी पतंजलि योग पीठ की ओर से इतना बड़ा काम करेंगे कि नागालैंड के लोग, आज जैसे थॉमस जी ने बोला, आज इसको एक हिस्टोरिकल डे के रूप में याद रखें। आज हमारा मुख्यमंत्री जी, ये इतना जबरदस्त आदमी है टी आर जेलिंग जी को, एक बार हम सबके ओर से जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। हमारा ये टी आर जेलिंग जी, इनका एज तो हमको पता नहीं, इनका एनर्जी लेवल 40 ईयर से ज़्यादा नहीं है, और ये इनका नेतृत्व में हमारा ये जो के नियनु जी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, हाँ, इसके लिए जोरदार ताली नियनो जी के लिए। हम बस इतना यहां से बोलना चाहते हैं कि यहां पर एजुकेशन का बड़ा कार्य होगा, तो ये जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, इधर भी हमारी छोटी छोटी बेटियां खड़ी हैं सामने, इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा। ये सब बेटियां आगे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ के लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां पढ़ेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए जब एजुकेशन का बड़ा काम होगा तो कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे। एक सपना होता है बच्चों का, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना,
लेक्चरर प्रोफेसर बनना और ये डॉक्टर इंजीनियर लेक्चरर प्रोफेसर प्रोफेशनल तो बनेंगे ही बनेंगे, कुछ यहां से पॉलिटिशियन भी बनेंगे। अच्छा अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा लेक्चरर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, एक तरह से हम यहां पर डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन तैयार करेंगे। डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन, प्रोफेशनल वर्ल्ड सिटीजन। तो ये इसका कोई धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है कि इंसान अच्छा होगा तो सारा जहान अच्छा होगा। इंसान अच्छा होना चाहिए। और आज अभी मुख्यमंत्री जी को क्योंकि कार्यक्रम में जाना है, कोहिमा में कार्यक्रम है, पूज्य आचार्य जी उनको सम्मान दे रहे हैं, पूरा पतंजलि योगपीठ की ओर से एक बार जोरदार उनके लिए ताली हो जाए, प्रणाम। हम लोग कोई रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते। एंजान जी, आपके नॉलेज के लिए, हमारा जो चीफ साइंटिस्ट है योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट का, डॉक्टर सरले टेलिस, वो जन्म से ही कैथोलिक है। हमारा हिलरी, ये जन्म से ही ये प्रोटेस्टेंट है, बप्तिस वाला है, और मणिपुर क्रिश्चियन एसोसिएशन का अध्यक्ष है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। ये अपना सेल्फी ले रहा है। बहुत आशीर्वाद। और ये हमारा बहुत अच्छा योगी भी है और बहुत अच्छा हमारा फादर भी है। चलो बैठो उधर आचार्य जी के पास। हाँ, उधर बैठो। और ये मैंने बताया, हमारे यहाँ प्रोटेस्टेंट्स भी है, कैथोलिक्स भी है, और हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी हैं। हमारा जो सबसे बड़ा फूड पार्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हरिद्वार में, उसमें करीब करीब 30% सब हमारा मुस्लिम्स लोग काम करता है। और हम लोग, हम कहते हैं हम सब खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान, परमात्मा, दिस इज वन, गॉड इज वन, एंड हम सब उस भगवान का संतान, तो हम भी सब एक ही है। तो हम तो एक भजन बोलते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान। So we are one. We are all souls are one. Our Almighty God is one. Our country is one. Our culture is one. So there is no difference. So our basic philosophy is oneness, coexistence, and brotherhood, harmony. These are our principles. These are our values. And this is our ideology. These cloths, this is a tradition. My cloth is like this color, saffron. And his cloth is darkest. हमारा जितना भी फादर लोग होता है उसका क्लोथ आचार्य बक्षण जी जैसा होता है। दिस देर इज नो डिफरेंस। सो ये कुछ लोग ऐसा, इसको थॉमस को बोला, ये बाबा हिंदू बाबा को लेके आया है। ये थॉमस हिंदू बाबा को नहीं लेके आया, ये थॉमस यहां पर एजुकेशन को लेकर के आया है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आया है, यहां ये समृद्धि को लेकर के आया है, शांति को लेकर के आया। ये सब दिमाग से जो खराब खराब बात है ना, कचरा, ये सब को बाहर फेंको। मोदी जी ने अभियान चला रखा है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता। हम लोगों को इधर बहुत जबरदस्त मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके साथ साथ आपको योगा में, अब योग क्या है,
देखो अब मैं आपको एक योग करके दिखाता हूं। मैं तो योगी हूं, बेसिकली आई एम योगी एंड कर्म योगी, योग एंड कर्म योग, दिस इज माय लाइफ। तो इन योग देयर इज नो रिलीजन। आई एम टेकिंग डीप ब्रेदिंग, आई एम डूइंग डीप ब्रेदिंग, देयर इज नो रिलीजन। यू टेक डीप ब्रेथ एंजान जी, आप डीप ब्रेथ करो, आपका रिलीजन तो चेंज नहीं हो गया। नहीं हुआ बोल रहा है। इफ यू आर टेकिंग डीप ब्रीदिंग सो आपका रिलीजन चेंज नहीं होता है। आप छोड़ो, इससे भी आपका रिलीजन चेंज नहीं होता। ऐसा करने से भी आपका रिलीजन चेंज, और किसी को घुमाना है तो ऐसा घुमा दो, एंजल जी ने फोटो खींच के सब हमारे चर्च वाले भाइयों को दिखाना कि इससे किसी का रिलीजन चेंज, जोर से बोलो रिलीजन चेंज, हमने किसी का रिलीजन चेंज नहीं